सलाम वेंकी एक जवान लड़का जो कि चेस प्लेयर था, होलेवेनु वेंकटेश की सच्ची कहानी है। वेंकटेश को एक रेयर बीमारी होती है, डीजेनरेटिव डिजीज, जो कि ठीक नहीं हो सकता। लेकिन वेंकटेश दिल से बहुत पॉजिटिव है। वो यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु चाहता है और मरने से पहले अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहता है, और उसकी इस लड़ाई में उसका साथ देती है उसकी माँ। मैं तेरी जिंदगी बड़ी बनाऊंगी, प्रॉमिस। कैप्टन ऑफ द शिप रेवती की बात कर लेते हैं। रेवती ने इस फिल्म का निर्देशन किया है, और इससे पहले उन्होंने मित्र नाम की एक फिल्म बनाई थी जिसके लिए रेवती को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। उनकी सेंसिबिलिटी को सभी जानते हैं, और इस तरह की एक फिल्म जो कि आपको बहुत दुख दे सकता है या आप एक डिप्रेशन के माहौल में जा सकते हैं, उसे किस तरह से लाइट अप किया है रेवती ने, वो देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में कह सकते हैं सलाम वेंकी के साथ साथ सलाम रेवती। वेंकटेश की माँ सुजाता के किरदार में काजोल, हमें नहीं लगता कि काजोल के अलावा ये रोल जो है इतने सलीके से और इतने सेंसिटिव तरीके से कोई निभा भी पाता। काजोल ने अपना जो पूरा इमोशन है वो इस फिल्म में झोंक दिया है। उन्हें कंट्रोल में रहना है, उन्हें दुख को जाहिर भी नहीं करना है, और अपने बेटे का साथ भी देना है, उसमें लड़ना झगड़ना सब कुछ है। और जिस तरीके से काजोल ने इस किरदार को निभाया है, कमेंडेबल। पहले बता दूं कि काजोल ने इस रोल के लिए मना कर दिया था, वो दो बच्चों की माँ है, और इस तरह का कोई भी टॉपिक जो है वो एक माँ को कहीं ना कहीं दो बार सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जब रेवती ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, बताया कि फिल्म को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, उन्होंने किया, और अच्छा हुआ कि उन्होंने ये फिल्म की, क्योंकि जो एक रेंज है काजोल के किरदारों का वो इसमें नज़र आता है, और वो बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाती हैं। विशाल जेठवा, इससे पहले विशाल जेठवा को आपने मर्दानी 2 में एक रेपिस्ट और एक बहुत ही खराब लड़के के किरदार में देखा है, जो कि कुछ भी अच्छा नहीं करता। उनके लिए सबसे पहली बात तो ये थी कि वो इमेज तोड़ना, जो एक एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा माने रखता है, और यहाँ पर बिल्कुल उल्टा। यहाँ विशाल एक बहुत ही सकारात्मक सोच वाले इंसान हैं। जिंदगी, अगर आपको याद हो आनंद फिल्म का डायलॉग, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पर वेंकटेश के किरदार में विशाल का यही मानना है कि जिंदगी जो है वो लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और वो इस बात को बार बार हैमर करता है। और इस किरदार में विशाल ने अपने आप को जिस तरीके से ढाला है, कह सकते हैं कि ये विशाल जेठवा की फिल्म है, और इस फिल्म के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है आमिर खान को देखकर। ट्रेलर में जब आमिर खान की झलक आई थी तो सभी बड़े एक्साइटेड हो गए थे कि ये कुछ अलग होगा, या आमिर और काजोल को एक साथ देखने का मौका मिलेगा। जी हाँ, आमिर और काजोल एक साथ नज़र ज़रूर आए हैं, लेकिन उनका किरदार फिल्म को एक किरदार है बस। आमिर खान को और ज़्यादा देखने की जो इच्छा है वो दर्शकों में रह जाएगी। साथ में अनंत महादेवन को भी थोड़ा सा कम इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो भी एक मंझे हुए कलाकार हैं। तो रेवती ने कुछ सोच समझ करके ही ये काम किया होगा, या ये टीम बनाई होगी, लेकिन आमिर खान को थोड़ा सा लोग ज़रूर मिस करेंगे इस फिल्म में।